हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल डॉली डे बुक्स। तो आज जो हम हैं ये विंटर्स की वेराइटीज़ हैं। हम लोग ये विंटर्स के फ्लावर्स जो हैं इनके बीज जो हैं वो लगा देंगे, ताकि विंटर्स में हम लोगों को सुंदर सुंदर प्यारे प्यारे फ्लावर्स मिल सके। ये मैंने ऑनलाइन वेबसाइट से मंगवाए थे फ्लावर्स विंटर्स के, और मेरे पास लगभग आई थिंक मोर देन 20 वेराइटीज ऑफ विंटर फ्लावर्स हैं, 20-25 वेराइटीज़ हैं। तो मैं सभी को उगाऊंगी। उसके लिए मैं सबसे पहले क्या करूंगी, सबसे पहले मैं इस तरीके से, अगर आप ये देखेंगे आइस फ्लावर है, तो मैंने इसके ऊपर लिख लिया आइस फ्लावर 14 सितंबर। मैं इसको 14 सितंबर को लगाऊंगी, ठीक है। इस तरीके से मैंने ग्लासेस ले लिए हैं लूपिंस का, ये 14 सितंबर को मैं लगाऊंगी। ये लूपिंस के बीज हैं, अगर आप ये देखेंगे। इसके अंदर मैंने कपों के अंदर छेद कर लिया है। मैंने छेद किस तरीके से किया है, मैंने इस तरीके से कप उल्टा रखा है, और उसके बाद मेरे पास जो पेन है मैंने उसी के उससे इस तरीके से इसमें छेद कर दिया है। ऐसे मैंने इस तरीके से इसमें छेद कर दिया है, और उसके बाद मेरे पास ये मार्कर है, ये वाटरप्रूफ मार्कर है, परमानेंट पेन है। तो जो भी मैं नेक्स्ट लगाने वाली हूँ, ठीक है, मैंने उसका नाम इस तरीके से, जो भी मैंने नेक्स्ट उगाना है ऐसे मैंने उसमें नाम लिख दिया है और डेट लिख दिया है इस तरीके से, और ये सीड्स आ गए हैं इसके अंदर। बस इस तरीके से मैं अब आपको दिखाऊंगी नेक्स्ट स्टेप में क्या करने वाली हूँ। ये सारे फ्लावर्स एक एक करके मैं डेली डेली थोड़े थोड़े फ्लावर्स जो हैं वो लगाऊंगी मैं। तो इसी आप बात है, तो इस तरीके से ये हमारे बीज रहे, और हमने चार चार कप लिए हैं, ठीक है। आज मैं उगा रही हूँ टोटल 8 फ्लावर्स जो हैं, विंटर फ्लावर्स जो हैं, आज मैं उनको लगाऊंगी। देखते हैं कितने दिन में इसका रिजल्ट आता है। ये हमने 14 सितंबर को लगाया है, तो ये पहला बैच है जो हम 14 सितंबर को लगा रहे हैं, और लेट्स सी उसके बाद जैसे हमें टाइम मिलेगा ये जो रेस्ट फ्लावर्स बचे हैं इन सबको भी हम लोग लगाएंगे। मेरे पास विंटर और समर दोनों के फ्लावर्स आए थे, तो मैंने इनको कैटेगराइज कर लिया। जैसे अब ये वाला फ्लावर है ये नंबर 9 पे था वहाँ पे लिस्ट में, और ये विंटर्स के लिए मैंने W को मार्क कर दिया। ऐसे ही मैंने समर्स के साथ किया है, और जो विंटर और समर दोनों के हैं उनमें कुछ इस तरीके से मार्क करा है। ये विंटर और ये समर दोनों का है, विंटर एंड समर, तो इस तरीके से लिख दिया। तो देखते हैं ये रेस्ट भी हम लोग लगाएंगे, सारे फ्लावर्स लगाने हैं, मुझे बहुत पसंद है। इसमें 50% मैंने कोकोपीट लिया, और 25% सॉइल है, और 25% जो है खाद है। तो हम इन तीनों को मिक्स कर लेंगे, और अपने जो छोटे छोटे हमारे ग्लासेस हैं हम उसमें फिल कर लेंगे, और उसके बाद हम लोग बीज को उसमें लगा देंगे। इस वाले कप में हमारे बीज पड़े हुए हैं, और अब हम इसमें थोड़े थोड़े डाल देंगे, कप पूरा नहीं फिल करेंगे, थोड़ा थोड़ा फिल करेंगे। ऐसे हम लोग आधा आधा कप फिल करेंगे इसको। हमारी सीडलिंग्स रेडी है, और हमने इसको छाया में रखा है, ऊपर शेड लगा हुआ है,
और ऐसे हमने इसको छाया में रख दिया। रोज़ इस स्प्रे बोतल से हम लोग पानी देंगे।